नंबर फोर क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. इसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम. देखो इसमें सारे शब्दों को आपने पढ़ा है, लेकिन जब आपने इसको पढ़ा था तो इस नजर से नहीं पढ़ा था जैसा आज पढ़ रहे हैं. बस अंतर इतना ही है, यानी सारे कॉन्सेप्ट आपके पास हैं, उनको यहां ऐड करना है और ऐड करके उनको हर एंगल से समझना है. अभी तक हम जहां जैसा प्रयोग आया वैसा प्रयोग करते गए, लेकिन अब सेंटेक्स का मतलब होता है पूरा ग्रामर को उड़ेलना. इसीलिए सेंटेक्स पढ़ने से पहले मन बना लीजिए कि अब जितना आप पढ़े हैं उन सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके उसको एक दूसरे में जो है मिक्सअप करना है हमको. ठीक है, तो ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम. नाम से ही स्पष्ट है कि संकेतवाचक यानी ऐसे शब्द जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जो संकेत करते हैं. संकेत करने वाले शब्द जो हैं उन्हीं को डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं. वो प्रोनाउन भी हो सकते हैं और वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं. वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव कैसे हो सकते हैं, वर्ड कौन कौन से हैं, पहले वर्ड लिख लो. तो इसमें वर्ड आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, इसमें सेम भी आता है, सेम, सच, ठीक है. ये कुछ वर्ड्स हैं, स्पेशली आप इनको देखिए क्या दिस दैट दिस दोज. इनसे हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. ये दिस दैट दिस दोज डेमोन्स्ट्रेटिव हैं. ये दिस दैट जो होते हैं ये सिंगुलर नंबर हैं. क्या है ये? सिंगुलर नंबर. और दीज और दोज क्या हैं? ये प्लूरल नंबर हैं. और सिंगुलर और प्लूरल दोनों में अंतर देखो, ये दिस जो होता है ये नियरनेस वर्ड है. नियरनेस यानी नजदीकी बताता है, और दैट क्या है? फार्दरनेस, दूरी बताता है. देखो नियरनेस दिस, दिस इज माई पेन, दैट इज माई पेन. दिस यानी नजदीक है, दैट यानी दूर है. ठीक है, और फार्दरनेस दूरी हो गई. और ये दोनों क्या है? सिंगुलर नंबर. वैसे ही प्लूरल नंबर में भी दिस क्या है? नियरनेस. और दोस क्या है? फार्दरनेस. यानी दिस प्लूरल नंबर में होगा जो नजदीकी बताएगा, और दोस्त जो है वो दूरी बताने के लिए प्लूरल नंबर में होगा. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसका मतलब हो गया कि दीज ये जो है प्लूरल नंबर में जो है नजदीकी बताता है, और दोज प्लूरल नंबर में दूरी बताता है. क्लियर हो गई? अब देखो इनमें थोड़ा सा वो कंफ्यूजन क्या है. तो कंफ्यूजन ये है कि जब दिस दैट दिस दोज की बात होती है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं. तो सेम कंडीशन जैसा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आया था वैसा ही यहां पे भी है कि जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन के लिए किया गया हो नाउन के प्लेस पर तो वो क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. और जब वो किसी नाउन के साथ होगा तब वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. इसका भी उदाहरण आपने ऊपर देखा है, यहां भी मैं दे देता हूं. जैसे यहां हमने कहा दिस इज माई पेन, और इसी को कह दिया जाए दिस पेन इज माइन. देखिए यहां ये दिस क्या है? ये प्रोनाउन है. क्यों? क्योंकि ये पेन के लिए आया हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. और यहां क्या है? दिस पेन इज माइन. तो अब दिस किसके साथ हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. और ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा. और यहां भी देखो माई और माइन का प्रयोग. यहां माई नाउन के साथ था और माइन नाउन जब हट गया इसका तो अब ये माई जो है माइन बन गया. पॉइंट समझ में आ रही है ना? यही अंतर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ठीक है,